हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन 2A प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के डेटा रोमिंग सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट कर लेनी है। अब इसमें आपको नीचे की साइड ये रोमिंग के सामने वाला बटन टैप करके ऑन करना है। तो इस बटन को टैप करेंगे तो ये पेज आएगा, इसे ओके करना है तो आपका ये रोमिंग के सामने वाला बटन जो है इनेबल हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के डेटा रोमिंग सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। अब देखिए सेटिंग इनेबल हमें कब करनी होती है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं जो है दिल्ली के स्टेट में रहता हूं, दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली का ही सिम कार्ड मेरे पास है फोन का, ठीक है ना। तो देखिए जब मैं अपने दिल्ली के एरिया से बाहर जाऊंगा ना, अपने एरिया से बाहर जाऊंगा तो मुझे ये डेटा रोमिंग सेटिंग जो है इनेबल करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बाहर के एरिया में अगर ये डेटा रोमिंग सेटिंग इनेबल नहीं करूंगा तो मेरे मोबाइल फोन का डेटा इंटरनेट ठीक से काम नहीं करेगा और ना ही कॉलिंग में कोई दिक्कत आएगी, मतलब कॉलिंग में भी दिक्कत आती है। तो जब भी हम अपने स्टेट के एरिया से बाहर जाते हैं ना, तब हमारे को ये रोमिंग सेटिंग इनेबल करनी पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन की डेटा रोमिंग सेटिंग को अपने फोन में इनेबल कर सकते हैं, ठीक है।